दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं न्यू शिक्षक भर्ती 2022 पर। दोस्त इसके संदर्भ में बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। बेहतरीन तरीके से आप देख पा रहे हैं, लिखा जा रहा है सुपर TET 2022 को लेकर बड़ी अपडेट। बिल्कुल आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी को बेसब्री से इंतजार है सुपर TET 2022 का। लगातार आपके समक्ष यूपी टेट का आयोजन हो रहा है, लेकिन वहीं अगर हम सुपर टेट की बात करें तो बिल्कुल उसकी संख्या जो है वो नगण्य है। नीचे आपका ट्रेंड, आपकी जो मांगे हैं, डिमांड है कि लगा जो है टोटल पद कितने भर्ती आपके बीच में आए 97,000 पर, तो क्या कुछ कैसे हैं सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसी बीच में आपका एक कॉमेंट और आ रहा था कि भैया यूपी TET 2022 का नोटिफिकेशन को लेकर, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। नीचे आप देख पा रहे हैं बीएड डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। बिल्कुल आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आखिरकार जो लिखा गया है बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, इस पर हम आपसे चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन उसके नीचे और आज के ट्विटर अभियान में आपका सहयोग, बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आज आप सभी के लिए टोटल पद 97,000 पदों की भर्ती के लिए एक ट्विटर कैंपेन का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सभी की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। चलिए हम आपको एक एक चीजों से रूबरू कराते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले आप देखिए, यहां आपके बीच में आ रहा है कि 177 बच्चों पर एक शिक्षक 11 साल से गुरुजी का इंतजार। बिल्कुल अभी हाल ही में अगर बात किया जाए, लगभग 2 से 3 महीना पहले आपके यहां एक पीईबी रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि हमारे यहां जितने शिक्षक हैं सभी विद्यालय के लिए पर्याप्त शिक्षक हमारे पास हैं। लेकिन अब यह क्या चीज माजरा आपके बीच में आ रहा है 177 बच्चों पर? क्या आरटीई की हम बात करें अगर, तो आरटीई कहता है कि यह 177 बच्चों पर जो 11 साल से गुरुजी का इंतजार है, अब जरा सा विचार करें, आरटीई 2009 पूरी तरह से यह फ्लॉप जा रहा है। ठीक है, चलिए इसके अंतर्गत आपसे कहा जा रहा है देखिए कि नगर क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के कायदे कानून फेल हो चुके हैं। शिक्षकों की कमी के कारण पठन पाठन खासा प्रभावित हो रहा है। 2 दर्जन से अधिक स्कूलों में मात्र एक शिक्षक है। 3 ऐसे स्कूल है जहां एक भी शिक्षक नहीं है और दूसरे स्कूलों में शिक्षकों को अटैच संबंध करके पढ़ाई कराई जा रही है। आरटीई के अनुसार एक कक्षा में कक्षा 5 तक के 30 बच्चों पर एक शिक्षक। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आपने पढ़ा है तो आप सभी को आरटी 2009 अच्छे से पता होगा, जहां पर 30 बच्चों पर एक शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक के चाहिए। ठीक है, वहीं अगर हम 35 पर बात जूनियर की बात करें तो 35 जो है बच्चों पर एक शिक्षक जूनियर में चाहिए। अच्छा, इसके अंतर्गत आपसे और कहा जा रहा है, और देखिए कक्षा 6 से 8 तक के जो विद्यालय हैं 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। लेकिन यह चीजें सारी फ्लॉप हो रही हैं आपके बीच में। मैं मोटे तौर पर आपसे भी कहना चाहूंगा कि देखिए इधर एक कॉलम आपके बीच में आ रहा है, इसे देखेंगे। केस 1 पे देखिए कि उच्च प्राथमिक विद्यालय काशीराम आवास योजना में कक्षा 1 से 8 तक के 177 बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र एक शिक्षक है। उच्च प्राथमिक विद्यालय राजापुर में 1 से 8 तक के 151, जबकि प्राथमिक विद्यालय गयासुद्दीनपुर में 5वीं तक के 106 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक जो है जिम्मा एक भी शिक्षक उठा रहे हैं। ठीक है, एक एक शिक्षक उठा रहे। अच्छा, इसके अंतर्गत केस नंबर 2 में आप देखेंगे नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बक्सी बाजार कटघर और पुराना लोकरगंज में एक भी शिक्षक नहीं है। दूसरे स्कूलों के शिक्षकों को समयबद्ध करके किसी तरह पढ़ाई कराई जा रही है। 3 स्कूलों में क्रमशः 12 27 और 45 बच्चे पंजीकृत हैं। ठीक है, यहां आप देख पा रहे हैं। अच्छा, यहां एक और आपके बीच में आ रहा है, एक रिपोर्ट इधर दी जा रही है। देखिए मोटे तौर पर फिर से आप देखना देखेंगे, इधर कहा जा रहा है 3906 स्कूलों में आरटीई मानक के अनुसार 14,939 शिक्षक होने चाहिए, जबकि वर्तमान में कितने शिक्षक हैं 3,390 शिक्षक हैं। अब जरा सा विचार करें, यह चीजें आप देख पा रहे हैं इधर कॉलम के इधर आप देखेंगे। ठीक है, नीचे कहा जा रहा है शिक्षकों की आवश्यकता है, इसके सापेक्ष 77% पद
खाली हैं। इस प्रकार 1198 उच्च प्राथमिक स्कूलों में 4430 शिक्षक के सापेक्ष 2630 शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि 1800 पद खाली हैं। ये सारी चीजें किस प्रकार से बयां कर रहे हैं मेरे दोस्त, आप देख पा रहे हैं। इधर एक अपडेट और आपके समक्ष लगी है, देखिए इसमें कहा जा रहा है नगर क्षेत्र के प्राथमिक स्कूलों में 11549 शिक्षकों की कमी। यह लखनऊ की अपडेट है, जरा सा विचार करें उस नौनिहालों का क्या होगा जो लगातार जिनके बच्चे प्राथमिक विद्यालय में जा रहे हैं और उस प्राथमिक विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है। अच्छा, एक ट्विटर कैंपेन के लिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आज की डेट में 11 बजे से वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो लगभग 11 बज भी गए हैं। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, प्रथम चरण संघर्ष का आगाज आपके बीच में हो रहा है। ट्विटर कैंपेन का आयोजन 30 अक्टूबर दिन रविवार आज की डेट में आप हैशटैग का आप क्या प्रयोग करेंगे, देखिए इधर हैशटैग आपके बीच में दिया जा रहा है। मेरे दोस्त, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर आप ट्विटर कैंपेन का हिस्सा बनते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक भविष्य के प्रति अपने एक जिम्मेदार नागरिक होंगे, ठीक है। अच्छा, यहां नीचे लिखा जा रहा है डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, बिल्कुल यहां यूपी टेट की अगर हम बात करें तो यूपी टेट तो हर हाल में आपका इन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है कि हम 2022 में यूपी टेट नहीं करवा पाएंगे, लेकिन उम्मीद यही है कि 2022 का यूपी टेट या 2023 में करवाएंगे, 2022 में यूपी टेट का ऑनलाइन करवा लेंगे, ठीक है, लेकिन आपकी परीक्षा 2023 में आयोजन करवाएंगे। यहां नीचे लिखा जा रहा है अगर आप बीएड और डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के छात्र हैं या फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो आप सभी यूपी टेट के लिए एलिजिबल हैं। भैया, आप यूपी टेट का फॉर्म भरकर आप अपने आप को आंक सकते हैं हम फिलहाल के लिए कितने पानी में है, यूपी टेट का लेवल क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं या देख सकते हैं पेपर देकर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।